हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मिथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम शेल स्क्रिप्ट के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हम ये देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप कैसे पता चलता है। दूसरी चीज़ हम ये कवर करेंगे कि ओपन आईडी क्या होता है और उसको फैच करने का प्रोसेस क्या है और उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम इस पूरे सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अभी हमारी सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं, हम वो वेरिएबल्स को प्रिंट करके देख रहे हैं जो सिस्टम जनरेट करता है ना। ये वैल्यूज जो है सिस्टम के थ्रू जनरेट होती है, इसमें हम अलग से कोई वैल्यूज सेट नहीं करते। ये सिस्टम के थ्रू, क्यूएसएल के थ्रू ये कुछ वैल्यूज हैं जो सेट होती है। हम बस उसको एक्सेस करना देख रहे हैं कि कैसे एक्सेस किया जाता है, मीनिंग क्या होता है, कौन से ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा इसका प्रोसेस है। ठीक है, तो इस चीज़ को सिंपली समझने के लिए क्या करेंगे, स्क्रैच से एक स्क्रिप्ट बनाएंगे। उस स्क्रिप्ट को, मैंने एक स्क्रिप्ट बना रखी है जो ऑलरेडी मेरी एग्जीक्यूटेबल है ना। तो अगर आपको ये नहीं पता कि शेल स्क्रिप्ट को कैसे एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं, तो आप प्रीवियस सेशन वॉक थ्रू कर सकते हो। वहाँ अपन ने इसको पूरा डिस्कस किया हुआ है पहले वाले सेशन में, और ये हर सेशन एक प्रॉपर सिंक और सिक्वेंस में है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप वन बाय वन, एक एक स्टेप वाइज सेशन पढ़ोगे तो ज़्यादा ईजिली आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्योंकि अभी हम मेनली फोकस कर रहे हैं उन वेरिएबल्स पे जो सिस्टम या क्यूशल उसको सेट करता है और उसके थ्रू कुछ वैल्यूज रिटर्न करता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक शेल स्क्रिप्ट दिखाऊंगा जो ऑलरेडी एग्जीक्यूटेबल है। उसमें अपन कुछ कोड लिखेंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे, और फिर उसके बाद में उसको रन करके समझेंगे कि उसका आउटपुट क्या आ रहा है। और जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, फिर लास्ट में देखेंगे कि सी एल प्रोग्राम से कभी अगर स्क्रिप्ट को रन करना तो उसका प्रोसेस क्या रहता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वर्क एल एन के, हमेशा वर्क एल एन के अपन स्टार्ट में लिखते हैं, जो अपने को वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन पे लाता है। और यहाँ से आप अपनी डायरेक्टरी सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें भी आपने अपनी स्क्रिप्ट प्रिपेयर करी है। तो मैं हमेशा की तरह टेक्सचर में डायरेक्टरी को ऑप्शन 5 से ओपन करूँगा, और यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाया हुआ है sharmit.sh। इसको ओपन करके अभी के लिए मैं ये वाली दोनों लाइन्स को हटा देता हूँ, फिर मैं आपको वापस से स्क्रैच से बताता हूँ क्या है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमने बस एक मल्टी लाइन कमेंट रखा हुआ है जो बस इंट्रोडक्शन पर्पस के लिए, प्रेजेंटेड बाय टेक्सचर में सेशन वेरिएबल सेट बाय क्यूएसएच। तो ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली मैं पहले कुछ ब्लैंक लाइन इंसर्ट करता हूँ, और यहाँ पे अब हम लिखेंगे इको, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे अभी मैंने पहले जो लाइन हटाई उसमें आपने देखा होगा कि हम वहाँ पे डायरेक्टली भी प्रिंट कर पा रहे थे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको टेक्स्ट लिखना ही है। आप टेक्स्ट नहीं लिखोगे तो भी वो वैल्यू तो करेक्ट ही लाएगा। तो यहाँ पे आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप डॉलर। अब यहाँ पे ओएस टाइप हमें यूज़ करना है, तो डॉलर के साथ में लगाओगे ओएस टाइप। ठीक है, और फिर इसको कर देंगे क्लोज। सिंपल इतना करने के बाद में इस पाथ को हमें याद रखना है जो है /homsharmit। ये कॉपी भी कर सकते हो, बट कॉपी करना अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो तो अभी कॉपी वाली हैबिट नहीं डाल के खुद पाथ लिखो। उससे क्या होगा, आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी कि कैसे फाइल को एक्सेस करते हैं, क्या क्या पाथ है, तो ये प्रैक्टिस में अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अभी हमने लिखा ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप ओएस टाइप, और इसको कर देते हैं F3 एक बार सेव करने के लिए, और फिर से F3 एक बार एग्जिट करने के लिए। अब चलते हैं सेशन बी पे। ये कुछ मैंने थियोरेटिकल लिखा हुआ है, इसको मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। अभी यहाँ पे सीधा अपन लगाएंगे QSH और एंटर। QSH क्या करेगा, QSL कमांड एंट्री स्क्रीन को ओपन करेगा। अब इस स्क्रीन पे आप क्या कर सकते हो, आप अपने स्क्रिप्ट को रन कर सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे /home/sharmit/texturemit/sharmit.sh और एंटर। ठीक है, एंटर जैसे ही मैंने किया तो अभी देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप क्या आ रहा है, OS 400। इसका मतलब क्या हुआ, ये अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो IBMI ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसके ऊपर हम शेल स्क्रिप्ट को रन करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं सिनेरियोज की। कई बार क्या होता है, जैसे आपसे हो सकता है आप यहाँ से जो स्क्रिप्ट प्रिपेयर कर रहे हो वो कोई थर्ड पार्टी टूल उसको एग्जीक्यूट कर रहा हो, या किसी भी रीज़न से कहीं और से आप उस वैल्यू को एक्सेस कर रहे हो। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका जो सिस्टम है, ओएस सिस्टम है, उसकी नीड हो सकती है कि आपको पता करना हो कि आपका ओएस सिस्टम क्या है। तो उस केस में हम ओएस सिस्टम पता करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा ये एक वेरिएबल यूज़ करके देख सकते हैं जो है ओएस टाइप। और जैसे ही आप ओएस टाइप की वैल्यू को प्रिंट करोगे तो वो आपको एग्जैक्टली बता देगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप क्या है। ठीक है, तो आई थिंक ये अब आपको क्लियर हुआ होगा
कि कैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप फाइंड आउट करते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक देख लेते हैं और फिर बाद में थ्योरेटिकल में आपको वापस से बताऊंगा, जिससे आपको ये सारी चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, समराइज करेंगे अपन उसको। तो अब हम देखते हैं ओपन आईडी, ओपन इंडिकेटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इको कॉलन ओपन इंडिकेटर कॉलन, जैसा मैंने बताया टेक्स्ट जरूरी नहीं है, बट मैं आपको इजीली शो करने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ। फिर आएगा यहाँ पे डॉलर ओपीएन आईएनडी और कोट क्लोज, इसको करके सेव करेंगे। F3 टू टाइम्स F3 करने से सेव और एग्जिट हो गया। सेशन बी पे चलेंगे, फिर से इस स्क्रिप्ट को लिखेंगे /home/sharmit/tech/sharmit/sharmit.sh और एंटर। इतना करते ओके, समथिंग इज रॉन्ग हियर। देखो यहाँ पे वैल्यू नहीं आई, इसका मतलब हमने इंडिकेटर लिखते टाइम कुछ इशू कर दिया। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या है। ओके सॉरी, ओपन इंडिकेटर जो हम देखते हैं वो सीएल में होता है, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं ऑप्शनल इंडिकेटर। तो ओपीटी, ठीक है, ओपीटी इंडिकेटर, ऑप्शन इंडिकेटर। और फिर इसको सेव करके देखते हैं अभी चल रहा है क्या ये। फिर से स्क्रिप्ट रन करेंगे, पहले देखो उसमें वैल्यू में कुछ इश्यू होता है तो वो ब्लैंक लेके आता है, इसलिए अपने को पता चल गया कि वहाँ एरर है। अभी हमने लिखा /home/sharmit/tech/sharmit/sharmit.sh और एंटर। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो ये ओपन इंडिकेटर वहाँ से टेक्स्ट से भी हटा देते हैं, और यहाँ पे ओपन इंडिकेटर की जगह यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन इंडेक्स, ठीक है। ये क्या होता है ऑप्शन इंडेक्स, इंडिकेटर ओपन इंडिकेटर सीएल में होता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो यहाँ आ जाएगा ओपन इंडेक्स, ऑप्शन इंडेक्स, ठीक है। इतना करके फिर से करेंगे इसको सेव और एग्जिट। सेशन बी पे चल के फिर से इसको रन करते हैं करेक्ट डेटा लाने के लिए, /home/sharmit/tech/sharmit/sharmit.sh एंटर। तो अभी आप देख सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप में क्या आ रहा है OS 400 और ऑप्शन इंडेक्स में क्या आ रहा है 1। अब इनका मीनिंग क्या है, दोनों का मीनिंग समझने के लिए अब हम वो थ्योरेटिकल वाला पोर्शन कवर कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ, स्क्रैच पैड को। हाँ, तो देखो जो सबसे पहले हमारे को आउटपुट मिला वो क्या मिला, OS 400। द वैल्यू OS 400 फ्रॉम OS टाइप टेल्स अस दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम इज IBMI, ठीक है। तो जब भी आपको पता करना हो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम IBMI है क्या, तो आप OS टाइप को यूज़ करोगे। OS टाइप क्या करेगा, आपको वैल्यू, अगर OS टाइप में आपको वैल्यू OS 400 मिली, तो इसका मतलब है आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो IBMI है, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें 1 की, द वैल्यू 1 फ्रॉम OPT इंडेक्स यानी ऑप्शन इंडेक्स इंडिकेट्स दैट द ऑप्शन पार्सिंग प्रोसेस इज एट द स्टार्ट एंड नो ऑप्शन हैव बीन प्रोसेस्ड येट, ठीक है। तो ये क्या होता है ऑप्शन पार्सिंग प्रोसेस होता है, वो अभी क्या स्टार्ट ही हुआ है, मतलब जस्ट बिगनिंग पे ही है, और उसने अभी तक कोई भी प्रोसेस को, नो ऑप्शन हैव बीन प्रोसेस्ड येट, कोई भी ऑप्शन अभी इसने प्रोसेस नहीं किया। हो सकता है अभी आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही हो कि ये ऑप्शन पार्सिंग क्या है, बट अभी के लिए बस आप इतना समझ सकते हो कि जब आपके पास OPT INDE लिखा हुआ आ रहा है तो उसका मतलब है ऑप्शन इंडेक्स, और ऑप्शन इंडेक्स स्टार्टिंग में होता है तब उसको 1 पे सेट करा जाता है, और उसके अगर कुछ प्रोसेस किया होता है तो वैल्यू कुछ और होगी, ठीक है। तो इससे जस्ट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि होता क्या, बाद में फिर आप बाकी चीज़ें इजीली समझ जाओगे जैसे जैसे हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। अब इसमें बस एक चीज़ और बतानी है कि अगर आप डायरेक्टली वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो तो सिर्फ इतना पोर्शन आप यहाँ पे इको के साथ लिख दोगे विदाउट कोट्स, तो ये प्रिंट करके लाएगा, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब फटाफट से मैं आपको सीएल प्रोग्राम भी दिखा देता हूँ शॉर्ट में, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस हो चुका है। तो ये प्रोग्राम है रनिंग शेल स्क्रिप्ट यूजिंग सीएल। इसके लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे DCL, वेरिएबल नेम टाइप स्टोरेज लेंथ एंटर। वेरिएबल डिक्लेयर होने के बाद में CSG वाइल्ड लिख के F4 करोगे, वेरिएबल का नेम स्क्रिप्ट /home/sharmit/tech/sharmit.sh और फिर यहाँ पे strqsh करके वेरिएबल का नेम पुट कर दोगे, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये स्क्रिप्ट को रन करेगा और जो भी आउटपुट आएगा वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या इसको कंपाइल और कॉल, कॉल करने के बाद आप देख सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप में आ गया OS 400 और ऑप्शन इंडेक्स में आ गया 1।
ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें वर्क करती है। आई होप आज का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मिथ।